देश भर में और देश के अलावा दुनिया में कई जगहों पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लोगों का प्रदर्शन सामने आ रहा है। कुछ लोग इसके विरोध में हैं, या कहा जाए बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं तो बहुत सारे लोग इसके समर्थन में हैं, और अलग अलग तरह से देश भर के अंदर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक तरफ हिंसा की प्रदर्शन की तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहे प्रदर्शनों की भी तस्वीरें हैं। कहीं पुलिस को फूल भी दिए जा रहे हैं तो कहीं पुलिस पर पत्थर भी मारे जा रहे हैं, तो कहीं पुलिस भी फूल ले रही है तो कहीं पुलिस भी लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है, और पुलिस की तरफ से भी पत्थर की तस्वीरें, आंसू गैस की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच चंडीगढ़ में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया लोगों ने, और यहां पर कल जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था उसके बाद आज लोगों ने क्या कुछ कहा, चंडीगढ़ के लोगों ने क्या कुछ कहा CAA और NRC को लेकर, उनसे बात की हमारी संवाददाता पूजा वर्मा ने, वो सुनते हैं। अमेंडमेंट एक्ट को लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे बात करें उत्तर की दक्षिण की, हर एक जगह पर अगर देखें तो प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर धारा 144 में लगाई गई है। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर भी कल प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हुए। तो आखिर क्या कुछ वजहें हैं इस विरोध की, ये जानने के लिए चंडीगढ़ के ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत सरकार के द्वारा जो ये एक्ट लाया गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, जिस तरह से अगर बात करें इस एक्ट की, सबसे पहले तो कई प्रदर्शनकारियों में हमने ये भी देखा कि उनको समझ नहीं है कि CAA और NRC में क्या डिफरेंस है, तो उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये दोनों एक्ट बिल्कुल जुड़े हुए एक्ट हैं। ये एक्ट हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। हिंदुस्तान की एकजुटी जो है, यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके खिलाफ है। ये मुसलमानों के खिलाफ बना के पेश किया जा रहा है, असल में ये हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ है, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। संविधान में जब भी संविधान शुरू होता है, प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया शुरू होता है, और अंबेडकर साहब ने जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये सोच के बनाया था कि सब धर्मों की, सब कास्टों की इज्जत रहे, किसी भी जात पे या धर्म पे किसी पे जुल्म ना हो। गृह मंत्री कहते हैं कि मेरा भारत के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मोदी साहब या अमित शाह की बयान आते हैं उन बयानों में कोई सच्चाई नहीं। ये देश को गुमराह करने वाली पार्टी के लीडर हैं। ये होम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान के कानून में ऐसी तरमीम करना चाहता है जो जिससे हिंदुस्तान डिवाइड हो जाए। चंडीगढ़ में रहते हैं और देखते हैं कि यूनिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कभी इस तरह के विवाद नहीं नजर आते हैं, लेकिन देश में जो इस पर हालात बन रहे हैं उनको देखकर आप क्या कहना है? बिल्कुल, जैसे भाई साहब ने पहले मेरे से बोला कि ये शाह एंड मोदी, जो शाह एंड मोदी का जो ये नया कानून है, ये देश के टुकड़े करने वाला कानून है। देश का हिंदू, देश का मुसलमान, देश का सिख, देश का ईसाई, सभी जो जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, और माइनॉरिटीज़ तो हैं जो हिंदू जो बहुगिनती में हैं, वो भी नहीं चाहते कि देश को, देश के टुकड़े हों, लेकिन जानबूझकर बार बार एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, और बाय नेम, पर्टिकुलर नेम लेकर के अमित शाह अपना कानून को पढ़ते हैं सब उसमें सदन में, और उस पर मोहम्मदन मुसलमानों को नाम बिल्कुल उस लिस्ट से काट दिया जाता है। वो एक माइंड गेम खेल रहे हैं, अमित शाह एक माइंड गेम खेल रहे हैं। माइंड गेम क्या है कि उनको पता है कि जो मोहम्मदन्स हैं, अब दो तीन नई नई इलेक्शनें जो आने वाली हैं, जो उनके गले की हड्डी बनी हुई है, वो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में जो उनके साथ हुआ लास्ट, वहाँ पे मैडम ने उनके जहाज़ नहीं उतरने दिए, ऐसा वैसा जो भी हुआ वहाँ पे, जो उनके, उनको लग रहा है कि ये हमारी इंसल्ट हुई है, अब उस अब उसका बदला लेने के लिए वो ऐसा बिल लेकर के आए हैं, उसको इनको एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि NRC और सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट बना है, अब उनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए एक्ट हैं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, देश को बांटना। कल आपने प्रदर्शन किया, बड़ा पीसफुल प्रदर्शन रहा चंडीगढ़ में, इस तरह की कोई वारदात सामने नहीं आई है कि जहाँ पर लड़ाई वड़ाई कुछ हो या पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज, लेकिन कई जगह हिंसा बहुत ज्यादा हुई, तो उसको किस तरह से? हिंसा रोज प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि हिंसा कोई करना नहीं चाहता हिंदुस्तान में,
कोई आदमी नहीं चाहता कि मुझे आगे कोई पुलिस वाला लाठी मारे। हिंसा कोई करना नहीं चाहता, जैसे हमने कल यहाँ पीसफुल किया है, और हम ये पूरे ये सारे हिंदुस्तान में चाहते हैं कि पीसफुल रहें। लेकिन लोगों को उकसाया जा रहा है घरों में। देखो, लड़कियों को पुलिस वालों ने खींच खींच के मारा, जामिया में, लखनऊ में देख लो कल क्या हुआ। क्या पुलिस वालों पे भी पथराव हुआ है कल की अगर हिंसा की बात करें, लखनऊ में हो या अहमदाबाद? नहीं, पुलिस वालों, सुनो, पुलिस वालों पे कोई लाठी नहीं चलाता, कोई पत्थर नहीं चलाता। उनको जब गलत गलत गालियां देंगे, उनको उकसाया जाएगा, उनको बिना मतलब के टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि मैं पत्थर मारूं पुलिस वालों के। हमने किया, बोलो, पीसफुल किया है, हमें किसी पुलिस ने अगर हमें नहीं उकसाया, और हमने भी ऐलान किया कि नहीं, पीसफुल होना चाहिए। ऐसे ही सब धर्म के लोग चाहते हैं कि पीसफुल रहे। 80-90% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने पूर्व 70 साल के नहीं हैं, वो दादी के पूर्व या दादा के पूर्व कहाँ से लाएंगे। मैडम, जो आजकल नेशनल टीवी में जो चल रहा डिबेट चल रहा है आजकल, एक बहुत गल समझने वाला, क्योंकि ये बातों में उलझा रहे जो आजकल है। किसी का नागरिक तो छीन नहीं रहा हम लोग, लेकिन आपको ये बात जरूर समझना चाहिए। आप कह रहे NRC मत से मत जुड़ो, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना तो जान सकते हो जे अगर ये बिल NRC से पहले निकालने का कारण यही है। सारे कम्युनिटी के बोल रहे हैं, आप लोग अगर NRC अमित शाह कह रहा है सबका NRC होगा, मान ले NRC होगा, लेकिन NRC में अगर कोई रद्द हो जाएगा, किसी कैंसिल हो जाएगा, वो इसी बिल के जरिए वो अब दोबारा नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, हमें कोई किसी का विरोध नहीं है, लेकिन हम जो मुसलमान हैं, हमारे लिए आपने क्या रखा? हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसलमान के लिए बात नहीं कर रहे, मुसलमान तो यहाँ के मुसलमान। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात आप ध्यान से सुन लो, आप लोग, हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सरकार ने कितना बड़ी तादाद में जो हम लोग को नौकरी दिया, अच्छी तनख्वाह देके रखा, हमने सही डॉक्यूमेंट देने के बाद भी फिर भी हमारा डॉक्यूमेंट में गलतियाँ हो जाता है, लेकिन उसी दौरान हमको ही परेशानी होना पड़ता है। NRC में मैं 100% कह सकता हूँ, NRC जो होगा इसमें बहुत सारे मुसलमानों का, वो जो आदर्श कम्युनिटी का वो तो सेफ है, लेकिन जो मुसलमान कम्युनिटी है बाहर जाएगा उसका लिए कोई सेफ नहीं किया है इन लोगों ने। मुसलमान कम्युनिटी की काफ़ी ज़्यादा मदद और कम्युनिटीज़ भी कर रही हैं यहाँ प्रदर्शन में आपके साथ है, तो आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, हमारा जब तक इसके सोल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा तब तक हम लोग जारी रहेंगे इसी प्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल, देखिए, प्रदर्शन जारी रहेगा, साफ तौर पर कहना है यहाँ के जो लोग हैं खासकर, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट रहा कल भी, अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करी, ज्ञापन दिया गया गवर्नर को और चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं उन्हें, VP सिंह बदनौर को, और मांग यही कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि जो बिल लेकर आए हैं उन्हें वापस लिया जाए, नहीं तो उसमें तब्दीली की जाए और सभी कम्युनिटीज़ को बराबर हक दिया जाए। क्योंकि जैसे कि बात करें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जाना जाता है अपने समुदायों के लिए जो कि एक साथ मिलकर रहती है और एकता का जो संदेश देते हैं, उसी के तहत इस एक्ट को भी दोबारा से एक बार लेकर जाए, लेकिन उसमें मुसलमानों को भी ऐड किया जाए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन सुखपाल के साथ पूजा वर्मा, खबरें अभी तक।